हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश बेनीपाल। जैसा कि आपने कहा कि गर्मियों की गर्मी आने वाली है, उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले परेशानी आती है डिहाइड्रेशन की होती है, शरीर में पानी कमी होती है। उससे सबसे अच्छा हमें एक अपने अंदर पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, 6-7 से 8-9 गिलास पानी पीना चाहिए। दूसरी समस्या आती है डिहाइड्रेशन की, हो गया उसके बाद आता है डायरिया की, पेट संबंधित परेशानी आती है। पेट संबंधित जो परेशानी आती है उसमें क्या डिमोशन वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद एक परेशानी आती है एलर्जी की, गमोरिया वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। चौथी परेशानी आती है आँखों की, एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। पांचवी परेशानी आती है हमारी सनस्क्रीन बोलते हैं जी। तो सबसे पहले हमें एक तो शरीर में अपने में पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, और नॉर्मली ये परेशानी आती है बच्चों में और बुजुर्गों में। उसके बाद हमें थोड़े हल्के कपड़े पहनने चाहिए, फ्रूट का सेवन ज़्यादा करने चाहिए, जो रसीले पदार्थ होते हैं, नींबू पानी हुआ, शरबत हुआ और पपाया वगैरह जूस हुआ। देखिए बीमारी ना हो उसके लिए अपने ये है कि हमें अपनी जो धूप है उससे बचाव करना चाहिए। जब जरूरी काम है तभी निकलें, घर से बाहर सुबह निकलें शाम को निकलें, और एक विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी जरूर लें। मेडिकल से बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाई ना लें, क्योंकि मेडिकल का अलग होता है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, आपके कॉल पकड़ेगा, उसके बाद आपका डायग्नोज करेगा आपका। तो इसलिए कहते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवाई नहीं है, उसका साइड इफेक्ट अलग होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ अच्छे से रहें, साफ सुथरा अपना माहौल सफाई रखें, मच्छरों का सीजन आने वाला है, मच्छरों से सावधानी रखें, पानी पिएं, अच्छा खाना लें और धूप में थोड़ा कम निकलें। हमारे इस हॉस्पिटल में अभी रिसेंट में 4-5 दिन पहले एम्बुलेंस का आगमन हुआ है, जो कि हमारे पिछले में जितने भी जो जिनकी सुविधा नहीं कर पाते उनके लिए हम एम्बुलेंस लगाई है, उनके लिए जो वंचित हैं, जो जिनका मतलब थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट कम है, उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा लगाई है हमारे डॉक्टर साहब ने। और हमारे इस हॉस्पिटल में सब तरह की सुविधा हैं, एम्बुलेंस भी है, सीटी एक्सरे भी है, सारा कुछ अवेलेबल है। हाँ जी, उचित कीमती दरों पर इलाज हो रहा है अभी।